हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। और एक्सेस में एक खास चीज आपको सिखाऊंगा, वो क्या है कि जैसे हम डिस्काउंट जब लगाते हैं, जैसे मान लीजिए डिस्काउंट तो परसेंटेज में ही लगेगा, तो जो भी आप डिस्काउंट देंगे उसे कभी कभी हम अमाउंट में भी डिस्काउंट देते हैं और कभी कभी परसेंटेज में देते हैं। तो जब परसेंटेज में आप डिस्काउंट देते हैं, ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम ये आती है एक्सेस में कि वो डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करता है। तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा एक्सेस 2021 पर, तो ये सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस चूज किया और यहाँ पर जाने के बाद क्या करना है, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देना। आप चाहे तो डेटाबेस का नाम बदल सकते हैं। यहाँ पे व्यू नजर आएगा तो यहाँ पर आपको डिजाइन व्यू पे चले जाना है। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टॉक टी यानी स्टॉक टेबल, तो ये दे दिया नाम। अब यहाँ पर आईडी आ रही है और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें शॉर्ट टेक्स्ट की जरूरत है। अगर आप 2007 या इस तरह का कोई वर्जन यूज कर रहे होंगे तो वहाँ आपको सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट टेक्स्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे हम प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, ठीक है। तो प्राइस यहां पर आएगा, तो प्राइस कौन सा डेटा टाइप रहेगा, तो यहां पर प्राइस हमको रखना है करेंसी। क्या रखना है, करेंसी। ध्यान दीजिएगा, यहां पे करेंसी रखेंगे या तो नंबर रखेंगे, तो करेंसी हम रखते हैं, ज्यादा बेटर है, ठीक है। और यहां पर करेंगे यूनिट, तो यूनिट जो है डेसिमल में भी हो सकता है। तो यहां नंबर रख करके आपको करना क्या होगा, इसे बनाना होगा डबल, तो यहां पर इसे सिंगल के बजाय डबल कर दीजिएगा और यहां पर जब आइएगा तो यहां पर आपको इसी में कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिलता है। अब चूंकि 2007 यूज करेंगे तो इसके लिए अलग से क्वेरी बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो फिलहाल हम यूज कर रहे हैं 2021, तो यहां से हम सीधा चलेंगे कैलकुलेटेड में। तो ये कैलकुलेटेड में मैं आ गया हूँ और अब हमें प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये बड़ा आसान है, प्राइस ये देखिए PRICE जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिख करके मल्टीप्लाई बाई यूनिट कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है और फिर तो काम हो जाता है। फिर यहाँ से ओके कर दीजिएगा तो ये काम हो जाएगा। लेकिन अभी डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट आप परसेंटेज में देते हो तो देखिए डिस्काउंट इन परसेंटेज, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परसेंटेज कर दिया। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही आप परसेंटेज में डिस्काउंट देते हैं ना, तो यहाँ पे आप नंबर रखते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल सही है। और नंबर रख करके जब आप परसेंटेज में डिस्काउंट देने जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे सब आपको फील्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट में मैं डालता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ पे लिखा लैपटॉप, तो ये लिख दिया लैपटॉप, तो लैपटॉप जो है ये बिकेगा। अब कितने का होगा, ये मान लीजिए 50,000 का लैपटॉप है, ठीक है, और ऐसे ऐसे 7 यूनिट सेल किए गए और इस पर डिस्काउंट लगा 5%। तो जैसे ही आप 5 के बाद परसेंट देते हैं तो यहाँ पर ये जीरो हो जाता है और ये प्रॉब्लम बनी रहती है, ठीक है। तो इसका इलाज क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर जब नंबर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ डबल बना दीजिए, नंबर बनाने के बाद यहाँ पर डबल बना दीजिए। और यहाँ फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं आप, फॉर्मेट चेंज करके क्या रखना है, परसेंटेज रखना है। तो अभी आप करेंगे तो ये काम हो जाएगा, यहाँ पे आप परसेंटेज में टाइप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं आप कि परसेंटेज में टाइप कर पा रहे हैं या नहीं, तो अब यहाँ परसेंटेज में मैं टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे 5% किया तो यहाँ देखिए 5% आ गया। अब यहाँ पे करते हैं डेस्कटॉप किया, तो डेस्कटॉप करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप की प्राइस आएगी, तो यहाँ 25,000 कर देते हैं, ये डेस्कटॉप की प्राइस है। और ऐसे 50 डेस्कटॉप परचेस किए गए, ठीक है, और यहाँ पे 5% ही इस पर डिस्काउंट कर देते हैं, तो 5% डिस्काउंट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 5% आ भी रहा है, लेकिन 5% हुआ कितना, इसके लिए हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी। लेकिन क्वेरी ना बना करके चाहे तो यहाँ से हम कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट वाला अमाउंट आपको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट आ रहा है तो कैलकुलेटेड रखेंगे, और कैलकुलेटेड में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो अब तो बड़ा आसान हो गया काम, अब यहाँ पे कैलकुलेट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल में ही हमारा डिस्काउंट छिपा होगा, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, डिस्काउंट इन परसेंटेज, जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे लिखना है, डिस्काउंट इन परसेंटेज, तो जैसे लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, अब क्या करना है, यहाँ से ओके करना है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर डिस्काउंट भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा आपको। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट भी कैलकुलेट हो रहा है, 17,500 का डिस्काउंट लगा हुआ है, 50,000 पे 5% अगर देखा जाए तो 17,500 आ रहा है। यहाँ पर देखिए 17,500 आ रहा है, देख रहे हैं टोटल, देखिए यहाँ पर कितना है, 3,50,000 पे 17,500 का डिस्काउंट है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर जिस हिसाब से आप करेंगे उसके हिसाब से डिस्काउंट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे करते हैं माउस, बहुत छोटा सा एक है प्रोडक्ट और इसकी प्राइस है ₹300 एक माउस की प्राइस है, दो माउस सेल किया गया या परचेस किया गया जो भी है,
तो 600 रुपए का हुआ, तो इस पे 5% का अगर डिस्काउंट लगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 30 रुपए आएगा। तो 30 रुपए एकदम कैलकुलेट होके एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। अब यहाँ से आप फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्म बनाना और भी आसान है, यहाँ से ब्लैंक फॉर्म हम ले लेंगे। ये ब्लैंक फॉर्म ले लिया, यहाँ से जाएंगे डिजाइन पर और यहाँ पर शो ऑल टेबल्स, यहाँ पे टेबल्स आई रही हैं, तो बाकी सारी चीजें तो हम ले सकते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, यूनिट, टोटल, और ये जो आएगा डिस्काउंट, इसको मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि देखने में और समझने में सुविधा हो। छोटा बड़ा कर सकते हैं ताकि ये भी हमें सुविधाजनक तरीके से दिखाई पड़े, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए होम टैब पे जाना है और यहाँ से आप चाहे तो बैकग्राउंड बदल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये इस तरीके से करके और सेलेक्ट करके कंट्रोल बी करना है और यहाँ पर ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से नजर आएगा आपको। अब ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर जैसा लुक आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे प्रॉपर्टी शीट पर और प्रॉपर्टी शीट पर जाने के बाद यहाँ से फॉर्म कर देंगे। ये फॉर्म कर दिया और यहाँ से इसको यस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे कर देंगे। तो ये हो गया, ये इस तरीके से अब आपको दिखेगा। देखिए ये एकदम सॉफ्टवेयर जैसा लुक आपको मिलने लगा। आप चाहे तो इस पर बटन भी लगा सकते हैं। बटन कैसे लगाएंगे, तो बटन लगाना तो बड़ा आसान है, देखिए कैसे लगाना है। स्टॉक एफ के नाम से सेव करता हूँ, स्टॉक फॉर्म, तो ये सेव कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको बनाना है बटन। तो बटन बनाने के लिए इसे डिजाइन व्यू पे लेंगे और यहाँ से चाहे तो हम बटन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट वगैरह का बटन बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे रखिए, ड्रैग कीजिए और यहाँ पर ये आ जाता है। तो यहाँ से अगर बटन बनाना है तो यहाँ पे देखिए फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन हम बना के दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट रखेंगे और यहाँ से जा करके और फिर यहाँ से फिनिश पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तब देखेंगे कि यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाना है तो यहाँ पर सेकंड रिकॉर्ड आ गया, ये थर्ड रिकॉर्ड आ गया, इस तरीके से ये चलेगा। अब प्रीवियस के लिए भी एक बटन बनाना होगा, तो प्रीवियस के लिए बटन कैसे बनेगा, तो सेम वही तरीका, ठीक है। वही कौन सा तरीका है, जो अभी हम यहाँ से जा करके, ये देखिए ये बटन है हमारा, यहाँ से जा करके इसको ऐसे ड्रैग करवा लेंगे और ड्रैग करवाने के बाद इसको हम क्या रख देंगे, प्रीवियस रिकॉर्ड। तो प्रीवियस रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ से जा करके और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे और यहाँ से फिनिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है ना। और अब क्या करना है, अब इसको बड़ा कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बड़ा कर दिया और यहाँ से ये हो गया। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये प्रीवियस रिकॉर्ड इस तरीके से काम करेगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, तो दोनों काम कर रहा है बटन, देख सकते हैं।